हेलो डियर कैंडिडेट्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रश कोर्स के बारे में, जो कि हमारा यू नो एक्टिव प्रेजर के बारे में। ठीक है, तो कोर्स को शुरू करते हैं। क्रश कोर्स है, 15 मिनट में ये ख़त्म कर देंगे। और काइंडली जिस जिसको नोट्स हैं वो ओपन करके फर्दर स्टडी यहाँ से करें। ठीक है, बुकलेट है जिसको हमारे बेटा वॉइस वॉइस सिंपली मीन टू से वी यूज़ वॉइस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एक्सप्रेशंस एक्शंस एंड सो ऑन। वॉइस हम क्यों यूज़ करते हैं, बात बताने के लिए। बेटा दो जो सेंटेंस के टाइप्स हैं जिनका यू नो के पेजो नहीं हो सकता, जैसा कि द वर्ब्स देट आर यू नो इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई गो, आई ईट, आई लर्न, बट वाट, इसका पेजो वाइस नहीं होगा। देयरफॉर बेटा दूसरा पेजो वाइस किसका नहीं होगा, भले ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन जो टू बी वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट, फ्यूचर स्टेट, जिसे आप प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी कहते हो, उसके भी नहीं होता। आई एम इंग्लिश टीचर, सो यू कैन नॉट से कि इसका पेजो हो सकता है, इसका पेजो नहीं हो सकता। बेटा पेजो वाइज अब किसका होता है, पेजो वाइज उनका होता है जो जिन जो वर्ब्स कौन से हों, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो। ये रेनन मार्टिन में लिखा पड़ा है दोनों पॉइंट्स, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। कैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, आई कंपोज नोट्स, वो वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो। आई लर्न इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई प्ले फुटबॉल, यही। सो बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आई प्ले क्रिकेट, शी कुक्स बिरयानी एंड सो ऑन। पेजो वाइज में और एक्टिव वाइज में क्या फ़र्क है, बेटा एक्टिव वाइज में फोकस आता है हमारा सब्जेक्ट पे, पेजो वाइज में फोकस आता है हमारा ऑब्जेक्ट पे, रिसीवर पे। क्लियर, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्या है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, कुछ ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो काम का है, एंट्री टेस्ट का, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आई लॉस्ट कीज़, तो यहाँ पर फोकस किस पे है, आई पे। ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वाइस। तो जो भी टेंसेस में सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। बेटा कीज़ आर लॉस्ट, अब ये पैसिव है क्योंकि कीज़ पे फोकस है, किसने लॉस्ट किए हैं उस पे फोकस नहीं। बेटा अब है कुछ रूल्स जो कि आपको आगे काम आएंगे। पहला रूल है कि पैसिव वाइस में आप ऑब्जेक्ट को पहले पुट करें, देयरफॉर आप जो है हमेशा वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब डालते हैं। बेटा आगे हम मॉडल वर्ब में डिस्कस करेंगे कि विल, शल, इसके साथ क्या करते हैं मॉडल वर्ब में। इन पैसिव वाइस हम बाय दे के फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे एंड में रखते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो तो प्रीपोजिशनल फ्रेज सेम रखेंगे, जैसा कि दे लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक इज लिसनड टू, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज सेम रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा असली अपनी एक्सरसाइजेस पे। इंडेफिनिट सीरीज, इंडेफिनिट सीरीज वो हैं जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। आई प्ले क्रिकेट डेली, अब पहले क्या डालेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद जो प्रेजेंट है इंडेफिनिट, इसके साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज। बेटा वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे कोई भी टेंस हो, प्लेड बाय मी, आई इन टू मी डेली। अब हम दूसरा टेंस लेंगे फ्यूचर, आई शैल मीट यू टुमारो, अब यह क्या है, यू पहले डालेंगे, यू, यू के साथ क्या डालते हैं, विल, इज इट, यू विल बी। बेटा मॉडल वर्ब अगर शल विल ऐसा हो, और दूसरे मॉडल वर्ब होते हैं जैसा कि कैन, मे, ऐसे अगर मॉडल वर्ब हो तो पेजो वाइज में सिर्फ हम बी डालते हैं। लेकिन बेटा अगर मॉडल वर्ब कॉम्प्लेक्स हो, कुड हैव बीन, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, अगर ऐसा हो तो बेटा उसमें हम बीन डालते हैं। क्लियर, पेजो वाइज के अंदर, तो हम वो आगे पढ़ेंगे, यू विल बी मेट बाय मी टुमारो। अब नेक्स्ट है पास का, आई ओपन द डोर, अब पहले हम ये डालेंगे, द डोर वाज ओपन बाय मी। क्लियर बेटा, इंडेफिनिट सीरीज हो गई। अब है हमारी प्रोग्रेसिव सीरीज, प्रोग्रेसिव सीरीज में एक कॉन्सेप्ट समझना बस बेटा, प्रोग्रेसिव सीरीज में क्या डालते हैं, बींग डालते हैं, फिर आई एन जी फॉर्म रिमूव हो जाता है और वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ नॉवल, पहले नॉवल डालेंगे, नॉवल, बेटा सेम टेंस अब चेंज नहीं होगा, इज, अब यहाँ पर आई एन जी हटाने के लिए बींग डालते हैं, नॉवल इज बींग रिटन बाय होम बाय मी। क्लियर, अब दूसरा पास लेते हैं, आई वॉज कुकिंग डिनर, पहले डिनर डालेंगे, डिनर वॉज बींग कुक्ड बाय मी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुमारो,
स्टडिंग एट द लाइब्रेरी विल बी बींग डन, क्लियर, विल बी बींग डन बाय हर टुमारो। इसका दूसरा भी लेते हैं, दे विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप द नेक्स्ट मंथ, ट्रेवलिंग टू यूरोप विल बी बींग डन, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, पूरा फ्रेज हम डालेंगे, ट्रेवलिंग टू यूरोप विल बी बींग डन बाय देम द नेक्स्ट मंथ। इसका ये भी होता है द एक्शन ऑफ ट्रेवलिंग टू द यूरोप, ये भी हो सकता है, नो इशू बेटा। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी सिंधी विंधी नहीं होता है, उर्दू उर्दू नहीं होता, इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेस के वॉइसिस नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ होते हैं, क्योंकि UPSC CSS या जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट होती हैं इसके अंदर ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर विथ आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड वो पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शी हैज़ बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पर कुकिंग को हटाने के लिए बींग तो डालेंगे ही डालेंगे, क्लियर, ING को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले डालेंगे डिनर, टेंस एम हैज़ बीन बींग कुक्ड बाय हुम, बाय हर, फिर टाइम एंड में डाल दें, नो इशू। शी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 weeks बिफोर शी फाइनली अराइव्ड, अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें टू हो सेंटेंसेस, ठीक है, दिस इज कॉल कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें टू इंडेफिनेट क्लाजेस हो। ट्रेवलिंग हैड बीन, अब पहले फोकस करेंगे पहले वाले पे, ट्रेवलिंग हैड बीन बींग डन बाय हर फॉर 2 weeks, अब यहाँ पर सेम सेंटेंस डालेंगे, बिफोर शी फाइनली अराइव्ड होम, इसको हम पेज में नहीं करेंगे, क्लियर। अब इसका दूसरा वे भी है, 2 weeks हैड बीन बींग ट्रेवल्ड बाय हर यू नो बिफोर शी फाइनली अराइव्ड होम। नेक्स्ट बेटा फ्यूचर का, दे विल हैव बीन लिविंग इन द न्यू सिटी फॉर द ईयर बाय द नेक्स्ट समर, यानी फॉर द ईयर बाय नेक्स्ट समर, टाइम को हमेशा एंड में डाल दें, नो इशू। पहले हम लिविंग का डालेंगे, द एक्शन ऑफ लिविंग इन द न्यू सिटी, क्लियर, द एक्शन ऑफ लिविंग इन द न्यू सिटी विल हैव बीन बींग यू नो फॉर वाट, फॉर अ ईयर नेक्स्ट समर। अब दूसरा इसका है, द न्यू सिटी विल हैव बीन बींग लिव्ड इन बाय देम फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट समर। ये पूरा जो है टाइम हम लास्ट में डालते हैं और ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते वैसे, ओके। नेक्स्ट बेटा परफेक्ट सीरीज, हमारे परफेक्ट सीरीज में बस हम एक चीज़ डालते हैं, यहाँ पर फोकस करना, बीन डालते हैं, हैज़ हैव, यहाँ पर हम डालेंगे बीन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, आई हैव डन माई टेस्ट, या आई हैव डन द टेस्ट, द टेस्ट हैज़, टेस्ट क्यों सिंगुलर है, हैव इनटू हैज़ चला जाएगा टेस्ट के हिसाब से, द टेस्ट हैज़ बीन डन बाय होम बाय मी। नेक्स्ट, वी शैल हैव वेटेड फॉर हिम, ही हिम इनटू ही शैल हैव बीन वेटेड फॉर बाय अस, क्लियर। अब वेटेड फॉर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो सेम डालेंगे, हमने वो पढ़ा है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा बेटा फोकस करना, दे हैड रिटन एन एप्लीकेशन लास्ट नाइट, एन एप्लीकेशन, पहले हम एन एप्लीकेशन, हैड बीन रिटन बाय देम लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट ना करना, ये नरेशन नहीं है, ये हमारा वॉइसिस। वी शल have waited for him, he shall have been waited for by us, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है अब वो है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को जितना भी कम्प्लेक्स मॉडल वर्ब हो उसकी आसानी होती है, वो कैसे मैंने समझाया था, मॉडल वर्ब अगर सिंपल होगा जैसे कि कैन, मे, माइट, उसके साथ हम डालेंगे बी। मॉडल वर्ब कम्प्लेक्स होगा, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इसके डालेंगे, इसके साथ हम डालेंगे बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन ईट बर्गर, अ बर्गर कैन बी ईटन बाय मी, देयरफॉर बेटा ससागर ओट टू बाय न्यू फोन, अ न्यू फोन ओट टू बी बॉट बाय ससागर। नेक्स्ट बेटा अगर यहाँ पर करें, वी विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस, फातर में बाय लैपटॉप, अ लैपटॉप में बी बॉट बाय फातर, देयरफॉर यू शुड हैव ज्वाइन क्लासेस, क्लासेस should have been joined by you. I would have purchased Alto car in COVID-19. An Alto car would have been purchased by me during COVID-19. I hope कि ये इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पर somehow double object system.
डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हों। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे डबल ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल माय मदर गिव्स फूड टू बेगर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये है फूड, दूसरा है बेगर। इसको क्या करते हैं, सो सिंपल रूल बेटा, पहले हम नियरेस्ट जो वर्ब का है, क्लियर, नियरेस्ट वर्ब का वो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नियरेस्ट कौन सा है, एक है फूड दूसरा है बेगर, पहले डालेंगे हम फूड। फूड टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब, इज गिव इन टू गिव इन। अब यहाँ पर दूसरा हम ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, पहले हम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देयर फॉर हम वर्ब को छुड़ाएंगे, उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। फूड इज गिविन टू द बेगर बाय माई मदर। दूसरा है ससागर गेव नोट्स टू स्टूडेंट्स इन CBA ऑन मंडे। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इन सबको छोड़ो, फोकस करो अपने पहले ऑब्जेक्ट पे जो कि नियरेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा हम डालेंगे स्टूडेंट्स, नोट्स प्लूरल है, गेव है पास है, तो पास प्रोग्रेस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, नोट्स व गिवन टू स्टूडेंट्स, देयरफॉर पूरा हम सेम भी डाल सकते हैं, इन CBA ऑन मंडे बाय सागर, या इन CBA बाय सागर ऑन मंडे, नो इशू। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेटा इंटरोगेटिव और नेगेटिव बिल्कुल, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव बिल्कुल आसान है। वो कैसे है बेटा, इसमें अगर हम डाल दें फॉर इंस्टेंस डू यू लाइक टू ईट बर्गर। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, पहले डू है तो इसके साथ इज ऑब्जेक्ट डालेंगे, जिंगर बर्गर देयरफॉर लाइक्ड टू ईट बाय यू। इसको हम दूसरा लेते हैं, फॉर इंस्टेंस विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, विल देयरफॉर माई प्रॉब्लम इन टू माई प्रॉब्लम, ऐसे नहीं कि आई प्रॉब्लम, नो, विल माई प्रॉब्लम्स बी सॉल्व बाय यू। आर यू वॉचिंग कुलर सुस्मान ड्रामा, पहले हम ड्रामा है तो आर है, तो पहले हम सिंगुलर ड्रामा है तो सिंगुलर इज कुलर सुस्मान ड्रामा, देयरफॉर हम वॉचिंग है बींग वॉच्ड बाय यू। प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, बींग डालते हैं, क्लियर, उसको ING फॉर्म हटाने के लिए, यहाँ पर इंडेफिनेट टेंस था, यहाँ पर प्रोग्रेस है तो ING हम डालते हैं, ठीक है। इज कुलर सुस्मान ड्रामा बींग वॉच्ड बाय यू। देखो बेटा नेगेटिव सेंटेंस भी है, फॉर एग्जाम्पल वर यू नॉट इन्वाइटिंग सना और सानिया एट द बर्थडे पार्टी। फॉर एग्जाम्पल सानिया का सिंगुलर है, वॉज सानिया नॉट, पहले वॉज, देखो ऑब्जेक्ट सानिया नॉट, ING हटाने के लिए बींग इन्वाइटेड एट द बर्थडे पार्टी, क्लियर, बाय यू वाट एवर, नो इशू। तो बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस भी थे, नेगेटिव बिल्कुल आसान है, जैसा कि हम अफर्मेटिव में होते हैं वैसे ही नेगेटिव में करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली इसमें भी सेम रूल है, डब्ल्यू एच फैमिली है, पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम मेन वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को एज अ रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल हाउ डज सनम लर्न इंग्लिश, हाउ सनम एक सिंगुलर है तो डज की जगह हम डालेंगे इज, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेटिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इंग्लिश लर्न बाय सनम। हु डिड टीच यू द लैंग्वेज, अब यहाँ पर हु को करते हैं बाय हुम, और हु सम हाउ सेम रखते हैं, ठीक है, बाय हुम और हु, वाज दैट लैंग्वेज टॉट टू यू, वेन विल यू प्रिपेयर डिनर, वेन विल डिनर बी प्रिपेयर्ड बाय यू। आई होप ये समझ में आ रहा है। नेगेटिव, वाई डू यू नॉट वॉच टी वी शो, वाई इज टी वी शो नॉट यू नो वॉच्ड बाय यू। देयरफॉर अगर हम कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा लें, वाई इज वेटर नॉट सर्विंग अस, वाई आर वी नॉट बींग सर्व्ड बाय वेटर। क्लियर बेटा, सो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो कि रट्टे वाली चीज़ हो। अब लास्ट है हमारा टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस, सो सिंपल बेटा, सो सिंपल, क्लोज द गेट थ्रो द बॉल, ये नरेशन में भी था, नरेशन में अपना रूल था, यहाँ पर अपना रूल है, बस रूल से याद रखो। सो बेटा अब नरेशन में हमने पढ़ लिया था, अगर आपने नरेशन नहीं सीखी तो जाके आप प्लेलिस्ट को टच कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव में इंपरेटिव सेंटेंस, क्लोज द गेट
तो बेटा सिंपल, यहाँ पर हम पहले डालेंगे लेट, पहले हम डालेंगे लेट, फिर हम ऑब्जेक्ट जैसा कि गेट है उसको डालेंगे, फिर हम डालेंगे बी, उसके बाद बी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लोज द गेट, लेट द गेट बी क्लोज्ड, थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन, कट द केक, लेट द कट बी केक, प्रिपेयर द डिनर, लेट द डिनर बी प्रिपेयर, प्ले द गेम, लेट द गेम बी प्लेयर। अब यहाँ पर दूसरा है, डू नॉट लेंड हिम बुक्स, लेट बुक्स। अब यहाँ पर क्या है, लेट बुक्स आर नॉट बी लेंट, डू नॉट प्ले गेम्स, लेट गेम्स आर नॉट बी प्लेड। तो बेटा ऐसे ही कुछ हमारे आते हैं, ठीक है। और समहाउ हम डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, क्लियर। हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कुछ डालते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, अटेंड द इंग्लिश क्लासेस, यू नो आई एडवाइस यू टू अटेंड द क्लासेस, ठीक है, या यू आर एडवाइस टू अटेंड द क्लासेस। सो सिंपली ऐसी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, इंपरेटिव हो गया। एंड बेटा ये एक्सरसाइजेस हैं, वो जाके आप बुकलेट से करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। दूसरा जीके का और इंग्लिश साइंस का हमारे क्रैश कोर्स भी पढ़ा है, पेड है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर पर। और ये क्रैश कोर्स था, हाँ अलग, हमें बोर्ड पर समझाता था लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमने यहाँ पर समझाया। और आपका 12 अक्टूबर पे टेस्ट है, हमारा प्री इंटर टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। 13 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर पे फिर टेस्ट है, 13 अक्टूबर एंट्री का, 20 अक्टूबर पे एंट्री का, उससे पहले हम 18 अक्टूबर पे टेस्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दीज टेस्ट, थैंक यू सो मच। और बेटा इसको प्रॉपरली आप समझें और टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।